दबंग 3 जो फिल्म आना वो दिसंबर में आना, वैसे बेहतरीन फिल्म होना और स्टोरी कुछ खास नहीं होना। लोग कह रहा है कि बेहतरीन फिल्म नहीं होना, वैसे सलमान खान का फिल्म होना तो मतलब कलेक्शन तो कम नहीं होना, पर ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये 2019 का सबसे बेकार फिल्म होना, 2019 का वर्स्ट फिल्म होना, क्योंकि दबंग जैसी फ्रेंचाइजी का फिल्म होना। दबंग जब पहला फिल्म आया तो कॉप का यूनिवर्स ही बदल जा रहा भाई, उसके बाद उसके साथ सिंघम आया, ऐसा फिल्म आने लगा पुलिस वालों पर जो साउथ का रीमेक होने लगा और बहुत पैसा कमाता। दबंग अपना टसन लेके आया, दबंग 2 जब भी आया वो भी बहुत हिट फिल्म होना और वो 80 करोड़ रुपए का बनना और काफ़ी अच्छा कलेक्शन करना। लेकिन दबंग 3 जो फिल्म होना वो 130 करोड़ रुपए का बनना, उसमें इतना पैसा लगाया तुम सोच भी नहीं सकता भाई। सलमान खान ने खुद ने कहानी लिखा, सलमान खान गाना लिखा है इस फिल्म का, पर ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पे आया तो औंधा मुंह उड़ गया। दबंग 3 का जो पहले दिन का कलेक्शन होना वो ही मात्र 24 करोड़ रुपए होना, सलमान खान के हिसाब से कुछ भी नहीं हो। सलमान खान की हर फिल्म 40 करोड़ रुपए मिनिमम कमाता भाई, 35 से 40 करोड़ के बीच पर, पहली पास 24 करोड़ रुपए में सिमट गया। और इसका कलेक्शन अगर 31 तारीख तक देखा जावे 2019 की, तो इस फिल्म का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ रुपए होना। ये फिल्म ज़्यादा कलेक्शन नहीं कर पाया, इस सलमा बिल्कुल भी खास कलेक्शन नहीं कर पाया, सलमान खान के नाम के हिसाब से थोड़ा स्टारडम होने के नाते फिल्म कलेक्शन नहीं कर पाया। लेकिन भाई गुड न्यूज़ जो आना अक्षय कुमार का, वो साथ बहुत ही तेज़ी से चलने लग रहा भाई, बहुत पैसा कमा रहा, उसकी कहानी अच्छी हो रही, उनकी सब कुछ होना। तो एक बात समझ में आना आप बॉलीवुड के मामले में भी भाई, भारत के लोगों के बारे में भी, अब स्टारडम के नाम से फिल्म नहीं चल रहा। अब तुमको अगर फिल्म चलाना तो तुमको कहानी लेके आना होना, तुमको बेहतरीन चीज़ें लाना, तभी फिल्म चल रहा, वरना सिर्फ स्टारडम या तुम स्टार होना इस वजह से तुम्हारी फिल्म नहीं चल सकता भाई। ऐसा बोला जा रहा कि ये बहुत वर्स्ट फिल्म होना और मेरे को भी कुछ खास पसंद नहीं आना, लेकिन तुम लोगों को अगर खास पसंद आना तो अच्छा बात होना। तो बस यही दुआ होना कि सलमान भाई अच्छा फिल्म लाए, अच्छा अच्छा कहानी लाए, तो तुम देखने में मज़ा आए भाई।